47 रन की तूफानी पारी खेलने के बाद आउट हुए कप्तान रोहित शर्मा तो मैच देखने आई पत्नी रितिका दिखाई दी काफ़ी नाखुश। जी हां गाइज, ऐसा ही कुछ देखने को मिला जहां वर्ल्ड कप के फाइनल में कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिलाई। कप्तान रोहित शर्मा ने 31 बॉल में 47 रन की एक तूफानी पारी खेल डाली। कप्तान रोहित शर्मा की इस पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे, पर जब कप्तान रोहित शर्मा 47 रन पे ग्लेन मैक्सवेल की एक बॉल पे शॉट मारना चाहा तो फील्डर ट्रैवस हेड ने उड़ते हुए एक जबरदस्त कैच पकड़ डाला और कप्तान रोहित शर्मा आउट होकर काफ़ी नाखुश दिखाई दिए। सो गाइस, आपका क्या कहना है कप्तान रोहित शर्मा की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी के बारे में? हमें कॉमेंट करके अपनी राय बताना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।